जल्दी आना। हाय। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू पिंकिश ब्लॉग। ओके, तो आज मैं अकेली हूँ घर पे क्योंकि आरू आज अपनी दादी के यहाँ गई है। पूरा दिन बहुत अच्छे से इन्जॉय करूँगी अकेली, यू नो, मी टाइम। और एक दो वीडियोस भी शूट कर लूँगी क्योंकि आरू जब रहती है घर पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो शूट करने में। बहुत मुश्किल से मैं शूट करती हूँ जब वो सोती है। तो मैं इतने छींके मार रही हूँ सुबह से, बहुत ज़बरदस्त सर्दी हो गई। तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने अदरक वाली चाय बनाई है अपने लिए कि थोड़ा सा, यू नो, गले को थोड़ा सा आराम मिले। और आज क्या क्या होता है, कैसे बिताती हूँ मैं अपना ये खाली खाली वाला टाइम। ऐसे मैं सोचा बहुत सही, आज मैं शूट करूँगी, मैं रील शूट करूँगी, वीडियो शूट करूँगी। और मेकअप करने का मेरा बड़ा मन था, तो थोड़ा सा मेकअप में, यू नो, एक्सपेरिमेंट करूँगी थोड़ा सा। बट क्योंकि जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ तो कहीं आरू कुछ भी उठा के ले जाती, कहीं कुछ उठा के भाग जाती, कहीं कुछ उठा के भाग जाती, तो बहुत मुसीबत हो जाती है। कोई तो आज आरू नहीं है जो मेरा मेकअप का सामान ले लेके भागेगी। देन आई थॉट कि क्यों नहीं कोई मेकअप का लुक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेकअप में मेरा हाथ ज़रा तंग है। तो मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज मैं सोचूँ कि मेकअप का अच्छा सा लुक क्रिएट करते हैं। येलो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं कुछ येलो क्रिएट करूँ। फेस मॉइस्चराइज कर लिया अपने प्राचीन मॉइस्चराइजर के साथ, विच इज़ मॉर्निंग नेक्टर बायोटिक। अभी मैं फेस पर कुछ भी नहीं लगा लूँ, प्राइमर वगैरह कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप से ही शुरू करूँगी क्योंकि, यू नो, नौसिखिया आदमी अगर कुछ गलत वलत हो गया तो मेरा बेस पूरा चौपट हो जाना है। ओके, तो आईज पे कंसील कर लेते हैं, पहले कंसीलर लगा लेते हैं। ओके, तो आईज मैंने कंसील कर ली है, थोड़ा सा आगे ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत दूर है कैमरा। सर्दी तो ना भाई साहब ऐसी हुई है कि बस पूछो नहीं, मेरे ना ग्रह नक्षत्र ख़राब चल रहे लग रहा है। कभी करोना, कभी सर्दी जुकाम, कभी कुछ भी, कभी कुछ भी, कभी कुछ भी, ऐसे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। आरू को ये पता नहीं कहाँ से मिल गया, और सुबह आरू ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। और आज मैं यूज़ करूँगी येलो आई शेड। तो दिस इज़ द पैलेट एंड दिस आर द कलर्स। ये वाला कलर तो जब ये अनाइका से ऑर्डर आया था तो ही ये पूरा का पूरा ख़राब था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी रिटर्न के लिए, बट उनकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं थी, क्योंकि वैसे भी मेरी गलती है क्योंकि इसमें टाइम जो था रिटर्न का वो निकल चुका था, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट एनीवेज, चलो शुरू करते हैं। आईब्रोज़ मेरी बहुत दिनों से नहीं बनी है तो एकदम अजीब हो रही है। एकदम मेरी आईब्रोज़ का ना शेप ही मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ भी जहाँ बनवाने वो लोग भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। ओके, सबसे पहले ये वाला शेड ले लेती हूँ मैं, जो कि बेसिक है एकदम, ट्रांजिट करने के लिए आईज़ को। अब मैं ले रही हूँ ये वाला जो डार्क शेड है, ये वाला ब्राउन वाला, ये ले रही हूँ। बाद में ले रही हूँ ये येलो वाला शेड, विच इज़ थोड़ा सा स्पार्कलिंग है ये, तो इसको मैं आईलिड्स पे लगाऊंगी, फुल आईलिड्स पे। कार्टून लगना है तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीख ही तो रही हूँ यार, जब तक सीखूंगी नहीं तब तक। नॉट बैड, तो ठीक लग रहा है। ओके, तो ये पीला पीला आई शेडो तो मैंने दोनों आंखों पर अप्लाई कर लिया है। अब बेस कर लेते हैं। नीचे के लिए मैं बहुत ज़्यादा पतला ब्रश ढूंढ रही हूँ। ये वाला शेड ले रही हूँ जो ये पिकॉक ग्रीन टाइप का लग रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड कि अच्छा हो, मेहनत ना बेकार हो। ओके, तो ये अगलम बगलम मैंने अभी कर तो लिया है, देखते हैं फाइनल लुक कैसा आता है। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप कि अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत की है। एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने ब्लू वाला जो लगाया है आई शेडो, ये थोड़ा सा और ऐसा, मतलब यू नो शार्प, अगर ऐसे यू
यू जाता तो मैं भी थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर लग सकता था, बट एनी वेज नेक्स्ट टाइम, क्योंकि प्रैक्टिस ही करने से, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। वेल मुझे तो ये भी लुक अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो किसी चीज़ पे और थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपको लगता है कि हाँ आप और आगे कर सकते हो, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। एंड आई रियली लाइक दिस लुक। मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ, स्टाइल से बढ़िया बैकग्राउंड लेके फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, एक दो फोटो मैंने फ़ोन से ही खींच ली है एंड अब मैं जा रही हूँ मेकअप धोने, क्योंकि बिना मतलब अगर कहीं जाना ना हो तो मुझे मेकअप लगाए रहना ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा डस्ट करती हूँ। एंड ये देखो कितना सारा पाउडर गिर गया है। ओके, तो सारा मेकअप मैंने अभी इस टाइम आप देख रहे हो रिमूव कर दिया है, और अभी मुझे बहुत तेज़ से प्यास लग रही है। बट आई थिंकिंग कि मैं बढ़िया सा कोल्ड कॉफ़ी बनाती, बट मुझे इतनी देर से सर्दी हो रखी है कि कोल्ड कॉफ़ी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ पानी पीना है। तो आई एम ईटिंग दिस चॉकलेट चिप बिस्किट्स। I'm fine.